ये जो लोग कुर्सी पर बैठकर इन लोगों को किसी भट्टे में ले जाकर झोंक दें, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ? हम लोग क्या कर रहे हैं? बिहार पुलिस का पेपर लीक हो गया, इधर यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया, आर्मी के चक्कर में पड़े तो आर्मी भी हाथ से चला गया। इलेक्शन हो या ना हो, लेकिन दिल में तसल्ली हो जाती है यार। जय हिंद एवरीवन। अभी मैं यूपी पुलिस का पेपर देकर अपने घर आ रहा हूँ, और हमारे जैसे लाखों युवा यूपी पुलिस का पेपर देने गए थे, रास्ते में मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। लेकिन जैसे ही मैं अपने घर आया हूँ ना, तो पहले खाना पीना कुछ नहीं खाया हूँ, सबसे पहले मोबाइल को चार्ज में लगाया हूँ। और जब मेरा मोबाइल थोड़ा बहुत चार्ज हो गया है, तो मैं सोचा हूँ कि देख लूँ कि यूपी पुलिस में मैं कितना प्रश्न सही किया हूँ और कितना प्रश्न गलत किया हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला है कि यूपी पुलिस का पेपर सच में लीक हो गया है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ है मेरे भाई। मैं आप लोगों को हकीकत बता रहा हूँ, जब मैं यूपी पुलिस का पेपर देकर बाहर निकला ना, तो मेरे पास काफ़ी सारे लोग फ़ोन किए थे। वो लोग बोल रहे थे कि भाई यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया है, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि पेपर लीक हो गया है। लेकिन मैं उन लोगों से सिर्फ एक ही बात बोल रहा था कि मेरे भाई आप लोग अफवाहों पर ध्यान ना दो, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यूपी पुलिस का पेपर लीक हो जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है ना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी पर हमें बड़ा फख्र होता था। चीटिंग वाला मामला है ना, हमें नहीं लगता था कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा देखने को मिलेगा। मतलब पेपर होने से पहले ही पेपर का आंसर मिल जाए, हमें नहीं लगता था कि उत्तर प्रदेश में ऐसा देखने को मिलेगा, बड़ा फख्र होता था। लेकिन आज ना मुझे अपने उत्तर प्रदेश पर फिक्र होने लगा है। हम लोग खुद सोचो यार, मतलब पेपर होने से पहले जब मतलब पेपर का पूरा आंसर मिल जा रहा है और सभी लोगों तक ये पहुंच जा रहा है, तो आप लोग सोचो जब हम लोग पेपर देकर वापस घर चले आ रहे हैं, तो मतलब जो लोग कापी वोपी चेक करते होंगे, तो उस टाइम क्या क्या होता होगा। लोग बोलते हैं कि भाई, मतलब जो भर्ती हो गए हैं वो लोग बोलते हैं कि भाई मेहनत करते रहो, मेहनत करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं घूस घास नहीं चलता है। लेकिन ये सब देखने के बाद तो ऐसा नहीं लग रहा है कि घूस घास। मैं भी लोगों से बोलते रहता हूँ कि भाई आप लोग मेहनत करो, इन सब चीज़ों के ऊपर ना फोकस करो कि भाई पैसा लगेगा तभी हमारा सिलेक्शन होगा। मैं बार बार अपने वीडियो में बोलते रहता हूँ, लेकिन जब ये सब देखने को मिलेगा तो किसी को भरोसा होगा? सब लोग सोचेंगे यार हम क्यों मेहनत करें। अच्छा हुआ, बताओ लड़के किस तरह से तैयारी करेंगे तो सही रहेगा। एक तो जल्दी भर्ती नहीं निकल रही है, 4 साल के बाद 5 साल के बाद भर्ती निकल रही है, तो पेपर भी लीक हो जा रहा है। उधर बिहार पुलिस का पेपर लीक हो गया, इधर यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया, बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा? बताओ हम लोग क्या करें, हम लोग कैसे तैयारी करें? हम गरीब किसान के घर के लड़के हैं, जिनका सपना है वर्दी पहनने का, हर देश के रक्षा के साथ साथ अपने परिवार वालों का भी रक्षा करने का, तो उन लोगों का जिंदगी है सरकार एकदम झंड करके रख दी है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं मेरे भाई, देखने को मिलता है ना, तो कभी कभी ऐसा लगता है ये जो लोग कुर्सी पर बैठ कर है ना, इन लोगों को किसी भट्ठे में ले जाकर झोंक दें, दिमाग पकड़ाता है ना, तो दिमाग में ऐसा ही चलता है। लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा, अगर ज़्यादा हम लोग उपद्रव मचाएंगे ना, तो ये लोग पता है क्या करेंगे, हम लोग के ऊपर FIR करेंगे कि तुम ऐसा नहीं करो, तुम उपद्रव मचा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। एक छोटी सी बात होती है तो उसके ऊपर ये लोग इतना जाँच पड़ताल करते हैं, पता नहीं कौन कौन सा जाँच लगा देते हैं। और यहाँ पर 50 लाख लोग यूपी पुलिस में फार्म भरे थे, 50 लाख लोग पेपर देने गए थे, और किस किस हालात में यूपी पुलिस का पेपर देने गए थे मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता हूँ मेरे भाई। वहाँ पर खड़े होते होते एकदम दिमाग खराब हो जाता है यार, हम लोग सब देख रहे हो। ये जितने भी बड़े बड़े मीडिया वाले हैं, जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले हैं ना, इन लोगों से मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, भले से इन लोगों तक मेरा वीडियो पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन मैं आप लोगों को एक ही बात बताना चाहता हूँ कि ये लोग ना मेरे भाई ये सब बिक गए हैं, सब बिके नहीं होते सब ना, तो इतना बड़ा जो अभी ये जो हुआ है, जो पेपर लीक वाला मामला देखने को मिल रहा है, ये लोग बार बार वही दिखाते और सरकार से सवाल करते हैं। किसी भी ऐसा स्थान का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ ऐसा जगह है, कुछ ऐसा स्थान है कि मतलब रोज ये मीडिया वाले उसके बारे में बताते रहते हैं, हो रहा है यहाँ पर, वो हो रहा है। लेकिन यार इतना बड़ा लड़कों के साथ धोखा हो जा रहा है, इसको कोई देखने वाला है या नहीं है मेरे भाई? इस पर सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि हम लोग के देश में क्या चल रहा है। हम तो सुबह से खाना नहीं खाए हैं, हमारा तो एकदम दिमाग खराब हो गया। उधर आर्मी के चक्कर में पड़े तो आर्मी भी हाथ से चला गया, इधर यूपी पुलिस के मतलब भले से सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन दिल में तसल्ली हो जाती है यार। जब फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाता है और जब नकल वकल नहीं हुआ रहता है ना, तो मतलब नहीं होता है तो दिल में तसल्ली होता है, चलो यार मेहनत में कमी थी। लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है और फाइनल मेरिट लिस्ट आता है ना, और जब साथ वाले बंदे का होता है ना, तो ऐसा लगता है कि यार वो हमसे कम मेहनत किया था, वो पैसा वैसा देकर मतलब पेपर पहले ही मांगा लिया था, ऐसा होता है ठीक है ना, और जिंदगी भर खलता है। योगी आदित्यनाथ जी हैं, अभी तक उनके तरफ से ऐसा सुनने को नहीं मिला है कि यूपी पुलिस का पेपर जो लीक हुआ है वो पेपर दोबारा होना चाहिए। तो जितने भी भाई यूपी पुलिस का पेपर देने गए थे, वो लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब किसी नेता के घर, किसी विधायक के घर वो लोग जाकर बोल रहे हैं, जैसे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि यूपी पुलिस का पेपर दोबारा होना चाहिए, यूपी पुलिस का पेपर दोबारा होना चाहिए। तो देखो कौन कौन सा दिन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। मैं कोई भी राजनीति नहीं
सच्चाई कर रहा हूँ। देखो यार, मैं आप लोगों को एक बार हकीकत बता रहा हूँ, हमारा जो पूरा खानदान है ना, ये पूरा का पूरा बीजेपी का सपोर्टर है। मैं आप लोगों को हकीकत बता रहा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, और मैं आगे भी यही करूँगा। जो सही करेगा ना, मैं उसके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, और सिर्फ अकेले नहीं खड़ा रहूँगा, मेरे साथ लाखों लोग खड़ा रहेंगे जो लोग सच्चाई का साथ देते हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं क्या होता है। एक तो साला 4 साल में कोई भर्ती निकाला जाता है, जिंदगी एकदम नर्क बन गया है मेरे भाई। मैं कोई भी वीडियो शेयर करने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, लोगों से बताना कि भाई हम लोग के साथ गलत किया जा रहा है। और जो जिन लोगों के साथ गलत किया जा रहा है, ये लोग बहुत अमीर फैमिली के नहीं हैं, एक गांव से हैं, किसान के घर के हैं। बाकी ये जो बड़े बड़े नेता विधायक हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं ना, वो लोग कभी भी पुलिस में आना नहीं चाहेंगे, वो लोग कभी भी आर्मी में नहीं जाना चाहेंगे। मैं आप लोग को हकीकत बता रहा हूँ। तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करो मेरे भाई, लोगों को जागरूक करो, लोगों को बताओ कि युवाओं के साथ गलत हो रहा है। आप लोग ये जो चना वना मिल रहा है, जो गेहूं वेहूँ मिल रहा है ना, इस पर ना जाओ। ये जो नमक मिल रहा है, इस पर आप लोग ना जाओ। आप लोग देखो कि भाई क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। हम लोग को रोजगार चाहिए, ठीक है ना, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। रोजगार रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। लोग बोलते हैं कि पढ़ाई करो नौकरी लग जाएगा, कैसे पढ़ाई किया जाए बताओ। ये सब जो देखने को मिल रहा है, ये सब देखने के बाद पढ़ने का मन करेगा? थोड़ा सा भी मन नहीं करेगा मेरे भाई। जो लड़का अपने घर 15 दिन भी नहीं रुक सकता है, उसका घर का सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो लड़का यूपी पुलिस पेपर के लिए साल साल भर रुका है, 2-2 साल रुका है, और आज पता चला है कि पेपर लीक हो गया। किया जाना चाहिए, इसके बारे में कुछ अच्छा ही सुनने को मिलना चाहिए, ठीक है ना। अगर अच्छा सुनने को नहीं मिलेगा तो आप लोग अपने तरफ से जो कुछ भी कर रहे हो, ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हो, रीट्वीट कर रहे हो, तो वो करते रहो मेरे भाई। अभी तक मैं खाना पीना कुछ नहीं खाया। एक तो उधर मेरा एप्लीकेशन बना था नीलेश डिफेंस करियर वाला, तो उसमें भी मतलब कुछ मिस्टेक हुआ है। जैसे मैं अपने एप्लीकेशन को अपडेट कराया हूँ, तो वो लोग मतलब जितने लोग भी मेरे एप्लीकेशन में जैसे परचेज किए थे, कोर्स लिए थे ना, तो उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। दोबारा आईडी पासवर्ड बनाना पड़ रहा है, तो मतलब उधर भी वो लोग परेशान करके रखे हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है। दातुन उतुन करना है, दातुन उतुन करके सबसे पहले नहा वहा लूंगा, मेरा दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। तो जितने लोगों का जो भी प्रॉब्लम आ रहा है ना, आप लोग मेरे व्हाट्सअप पर मैसेज कर देना, मैं अपना मोबाइल नंबर भी दे चुका हूँ, बस आप लोग ज़्यादा फोन नहीं करना, ठीक है ना। ये मेरा मोबाइल नंबर है। तो जितने लोग मेरे एप्लीकेशन में परचेज किए हो, दिक्कत आ रहा है तो मतलब उसमें मैसेज कर देना, मैं सभी लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करूँगा और करूँगा भी, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, बाकी अब देखते हैं आगे क्या देखने को मिल रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।